पूरे देश में भीम आर्मी से जुड़े सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी आने का एक कारण बना, अभी फेसबुक पे लाइव अभी सूचना मिल रही थी कि भैया चंद्रशेखर की रिहाई को लेके जो भी सब साथी हैं वो देश में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमें किसी भी सूरत में ना पटाखे जलाने हैं ना इन पैसों को ख़राब करना है। इन पैसों से किसी गरीब की मदद कीजिए, इन पैसों से किसी ऐसे साथी की जो पढ़ना चाहता हो उस पर पैसे की व्यवस्था, उसकी मदद कर दीजिए। किसी शादी हो बहन की उसकी मदद कीजिए। अगर आप लोग मिलके जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो भीम आर्मी की बात करते हैं, जो बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो अगर ऐसी चीज़ों को गलत तरीके से करेंगे या नुकसान करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लगेगा कि हम लोग पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो हम किसी भी सूरत में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि भैया हम लोग जो हैं अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो आपसे मेरा बिल्कुल एक निवेदन है कि ऐसा कोई भी काम अब के बाद ना हो। मैं कहीं से भी कोई वीडियो, कोई फोटो नहीं देखना चाहता कि भाई पटाखे जलाए जा रहे हैं या हाय हल्ला किया जा रहा है। आप, मैं आ गया हूँ, अब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, जो कमियाँ रहेगी तो उन्हें दुरुस्त करेंगे और पूरे देश में भीम आर्मी को स्थापित करेंगे। जहाँ के लोग जुड़ना चाह रहे थे किन्हीं वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे, मैं शाम के टाइम दोबारा लाइव आके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पूरे प्रदेश से अवेल कराऊंगा, आप लोग उनसे संपर्क करें। हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमारी पहली लड़ाई जो होगी वो अक्टूबर के पहले महीने में स्टार्ट होगी। जो 2 अप्रैल में हमारे साथी बंद हैं देश की विभिन्न जेलों में, उनको छुड़ाने के लिए, उनसे मुकदमे वापस लेने के लिए, जैसे हमारे जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उपकार बाबरे भीम आर्मी जिलाध्यक्ष पर राशुका लगी हुई है, उधम सिंह सेना के विकास मेडियान पर राशुका लगी, उन सबकी राशुका हटाने के लिए अब क्योंकि मैं आ गया हूँ तो हम लोग पूरी एनर्जी से इस काम में लगेंगे। अब किसी भी सूरत में देश के अंदर अगर कहीं दलित समाज पे या बहुजन समाज किसी भी वर्ग पे, चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, OBC हो, कहीं भी उत्पीड़न होगा तो हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में हम लोग, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। लोग कहते हैं कि हम गलत हैं, सही, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, हम क्या, ये तो समय तय करेगा, लेकिन आपको ये तय करना है कि ये देश जो आज के मौजूदा हालात हैं, संविधान को जलाया जाता है, 131 MP जो सिर्फ आरक्षण की वजह से उन कोटों सीटों पर बैठे हुए हैं, 1100 विधायक जो नक्कार लोग, जो बिल्कुल जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो उन कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्योंकि बाबा साहब के द्वारा मिला हुआ आरक्षण है जिसकी वजह से वो लोग उन कुर्सियों पर हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती, उन्होंने एक बार भी ये कहने का काम नहीं किया कि भाई संविधान की वजह से हम हैं, संविधान जला दे गए, बहुत गलत हुआ। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम अब किया जाए। क्या तो वो समाज के लोग हैं, समाज के हित की बात करेंगे, इस संघर्ष में साथ खड़े होंगे, 2 अप्रैल में जो लोग जेल गए हैं उनकी बात रखेंगे अपनी अपनी विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको भी नकारने का काम अब समाज के लोग करेंगे। आप लोग तैयार हो जाओ, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा, क्या तो इस संघर्ष में हम लोग जीत ना जाए या फिर हमारा बलिदान ना हो जाए, क्योंकि ये कोई भी संघर्ष बिना बलिदान के नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो मिलने की इच्छा से यहाँ है, लेकिन क्योंकि पूरे देश के जो लोग हैं उनको ये मैसेज देना जरूरी था, क्योंकि जो गलत होगा और भीम आर्मी के होते और भीम आर्मी प्रमुख के होते गलत होगा, उससे तो ये लगेगा ना कि भाई भीम आर्मी प्रमुख भी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इस आइडियोलॉजी को बरकरार रखना, हम एक ही आइडियोलॉजी पे काम करते, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो ज्योतिबा फूले हमें देखे गए, जो पैरियर साहब ने हमें दी, बिरसा मुंडा ने हमें दी, डॉक्टर फरीद ने हमें दी, साहब काशीराम का जो एक राजनीतिक स्तंभ है, जो एक वर्चस्व उन्होंने खड़ा किया, उस मूवमेंट का भी हमें ध्यान रखना है कि साहब काशीराम की जो बहुजन समाज की मूवमेंट थी उसे और कोई चलाना चलाए, लेकिन अब उसे भीम आर्मी चलाने का काम करेगी, पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगी, उनके सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगी। और किसी भी सूरत में देश के अंदर अत्याचार होगा वो करने वाला कोई हो, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति बिरादरी के व्यक्ति से नहीं है, हम किसी को गाली देना नहीं चाहते। अम्बेडकर मायावती मूवमेंट अब कुछ सीमाएं तय करेगी, भाई किसी को गाली देने से हमारा क्या भला होने वाला, हम उसमें समय क्यों खर्च कर रहे हैं, हम किसी पे गाली नहीं देंगे, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे, हम अपना काम करेंगे, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उन पे उनको सुधारने का काम करेंगे। ऐसे समय में मुझे आप लोगों की पुरजोर जरूरत है, आपके कंधे मेरी ताकि, क्योंकि मैं कोई MP MLA तो हूँ नहीं, ना किसी पार्टी का कोई नेता हूँ, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ जो मिशन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपने बाप साहब काशीराम से सीखी। तो मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज के लोगों को आपस में नहीं लड़ने देना, जो लोग इस चीज़ों को कर रहे हैं उनसे सावधान रहना, किसी भी सूरत में गुमराह नहीं होना है। मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ कहे भी तो मत ध्यान देना,
आप लोगों को अपने भाई पे कुछ दिनों के लिए भरोसा करना है, जो नहीं हुआ कभी वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो हम चैन से बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। जो लोग पूरे देश में भीम आर्मी के नाम से काम कर रहे हैं वो भी कमर कस लें, क्योंकि अब काम करने का समय आ गया। पहले जो था मुझे नहीं पता, डेढ़ साल में आपने क्या किया मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन अब आप लोगों को काम करना है और किसी भी सूरत में घर नहीं बैठना। हमारी काम ही हमारी पहचान है, ये लड़ाई समाज को देने की लड़ाई है, ये समाज के उत्पीड़न में उनके साथ खड़े होने की लड़ाई है। अगर आप किसी की ज़्यादा मदद ना करते तो कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े हो जाएं, उसको लगना चाहिए कि उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो हमें ये लड़ाई लड़नी है। मैं फिर नई मुद्दों को लेकर, नई बातों को लेकर, जो हम जिस तरह से हमें काम करना है, मैं फिर आपके बीच आऊँगा। अभी मैं बहुत सारे साथी मेरे पास हैं, मैं उनसे बात कर लूँ तो मैं बिल्कुल वो कह दूँ, मैं फिर बात को दोहरा दूँ, किसी भी सूरत में ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जिसकी वजह से लोग ये कहें कि भाई ये तो जो हुड़दंग कर रहे हैं। हुड़दंग करना हमारा लक्ष्य नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा लक्ष्य है। हमारा एक ही लक्ष्य है, बहुजन समाज का विकास, बहुजन समाज के अधिकारों को उन तक पहुंचाना, बहुजन समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना, उनको न्याय दिलाना। और जो लोग ये सोचते हैं या ऐसी मानसिकता रखते हैं कि वो बहुजन समाज पर अत्याचार कर देंगे, तो उन लोगों को भी यही समझाना चाहते हैं। देखिए, हम किसी जाति धर्म किसी के विरुद्ध नहीं हैं, ना हम आपके पे कोई टिप्पणी करना चाहते, ना अपना समय खराब करना चाहते। हम ये बस कहना चाहते हैं ये देश सब लोगों का लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो आप लोग अपनी ऐसी अगर जिसकी मानसिकता वो बदल ले, क्योंकि अब ये सब चीज़ें जो हैं जो पहले लागू हो रखी थी वो लागू होने वाली नहीं।